अगर आप भी मेडिकल स्टोर से दवा परचेज करने के लिए जाते हैं, अगर किसी सदस्य की रेगुलर दवा चलती होगी तो आप मेडिकल स्टोर से लगातार दवाइयां खरीदते होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस समस्या से रूबरू हुए होंगे या फिर रोज होते होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपने इंडियन मार्केट में फैले हुए एक बहुत बड़े मिथ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम हर्षित सिंह है, मैं एक फार्मासिस्ट और एक ड्रग कंसल्टेंट हूं। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं बेसिकली एक फार्मेसी का संचालक भी हूं और मैं इस बिज़नेस में पिछले 3 सालों से हूं, तो मुझे आए दिन ये समस्या देखनी पड़ती है। समस्या से मेरा रابطہ होता रहता है कि पेशेंट पहुंचते हैं, वो स्ट्रिप लेकर के पहुंचते हैं, दवा की डिब्बी लेकर के पहुंचते हैं, रैपर लेकर के पहुंचते हैं और कहते हैं सर मुझे ये दवा दे दीजिए, सिर्फ यही दवा दीजिएगा, ये लाल रंग की डिब्बी लाया हूँ, लाल रंग की डिब्बी चाहिए, पीला डिब्बी होगा तो मैं नहीं लूँगा, रैपर सेम चाहिए, रैपर में जिस तरीके से लिखा है सेम होना चाहिए, सेम रैपर की दवा मुझे दीजिएगा, होगा तो दीजिए वरना कोई बात नहीं। अब एज अ फार्मासिस्ट मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को दवाओं के बारे में बता सकूं, समझा सकूं, और अगर इस बताने समझाने में मैं 10% भी सफल रहा तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मैं सफल मानूंगा। दोस्तों, आपको पहले बता दूं कि दवा जो होती है, दवा किसी डॉक्टर की, किसी शहर की, किसी गांव की नहीं होती है, बल्कि दवा एक स्पेसिफिक कंपनी की होती है। दवा डॉक्टर रेड्डी की होती है, दवा मैकलियर्स की होती है, दवा FDC की होती है, दवा मैनकाइंड की होती है, ना कि दवा फनाने डॉक्टर की होती है, धमाके डॉक्टर की होती है। तो जो पेशेंट ये बोलते हैं कि ये दवा लखनऊ से लाया था, लखनऊ की दवा है, इन डॉक्टर की दवा है, तो ये गलत है। दवा किसी डॉक्टर की नहीं होती, डॉक्टर उस कंपनी की दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप ऐसा मत सोचें कि लखनऊ की दवा है तो यहाँ मिलना मुश्किल है, ऐसा नहीं होता है। दवा कहीं भी मिल जाएगी, अगर वो अच्छे कंपनी की है तो, कंपनी अच्छी है तो हर जगह मिल जाएगी आपको। दूसरी चीज़, जो पेशेंट रैपर देखते हैं, प्लीज़ आप रैपर मत देखा कीजिए, क्योंकि रैपर देखना एक सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। और मैं जानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं समझाना लोगों को, ये जो गलतफहमी है, ये जो भ्रांतियाँ हैं, ये कई लंबे सालों से फैली हुई हैं, कई लंबे सालों से चली आ रही हैं, तो आप इतने आसानी से ये बात समझ नहीं पाएंगे, मैं समझता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं एक फार्मासिस्ट होने के नाते अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी निभाते हुए आपसे बोल रहा हूँ कि आप कभी भी रैपर मत देखें, देखें उसके अंदर कौन सी दवाइयाँ होती। एग्जाम्पल के तौर पर, आप कोई रैपर लेकर के आए और उस रैपर में सिफैक्सिन लिखा हुआ है, या सिफोडॉक्सिन लिखा हुआ है, या पेंटाप्राजोल लिखा हुआ है, तो आप फोकस करें उसके अंदर जो दवाइयाँ होती हैं, सिफैक्सिन है, पेंटाप्राजोल है, इट्राकोनाजोल है, रविप्राजोल है, वो आप मांगे। मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये आपके लिए बहुत टफ है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इसमें आपका ही फायदा रहेगा। कभी कभी ये होता है कि केमिस्ट के पास में, मेडिकल स्टोर के पास में उस कंपनी की दवा नहीं होती है, या फिर डॉक्टर ने अपने सेटिंग की दवा प्रिस्क्राइब कर रखी है, या अपनी दवा प्रिस्क्राइब कर रखी है, दवा मोनोपोली है, तो वो दवा आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो आप ये कहें कि सर मुझे ये दवा दे दीजिए, किसी अच्छे कंपनी दीजिएगा, मुझे जेनेरिक मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर यही दवा, यही सॉल्ट सिफैक्सिन मुझे किसी अच्छे कंपनी दे दीजिए। मैं अपने भरोसे से कह सकता हूँ, मैं इस पर अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि जिफी भी वही है, सेफोलैग भी वही है, महासेप भी वही है। जिफी भी सिफैक्सिन होता है, सेफोलैग भी सिफैक्सिन होता है, महासेप भी सिफैक्सिन होता है, टैक्सिन भी सिफैक्सिन होता है, इसमें कहीं से भी कोई अंतर नहीं होता है। अगर आप रैपर चेंज करके जिफी से सेफोलैग पे आ जाएंगे, रैपर चेंज करके सेफोलैग से जिफी पे आ जाएंगे, तो आपके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वही काम सिफैक्सिन भी करती है, वही काम जिफी भी करती है, वही काम सेफोलैग भी करती है, वही काम टैक्सिन भी करती है, वही काम महासेप भी करती है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब भी एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर दवा लेने के लिए जाएं, तो कोशिश करें कि कस्टमर से कोशिश करें कि मेडिकल स्टोर से बोलें कि भैया अगर ये दवा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी सॉल्ट में मुझे किसी अच्छे कंपनी की, आप ये शब्द बोल दें कि मुझे किसी अच्छे कंपनी की दवा दे देंगे, जन्मी दवाइयां मत दीजिएगा, किसी अच्छे कंपनी दवा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप के अंदर ये चेंज आ जाता है, ये मेरी वीडियो देख करके आपके अंदर ये बदलाव आ जाता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो गया, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत अज्ञानता है, बहुत
चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो रैपर कहते हैं भैया हमको तो इसी दवा से फ़ायदा हुआ था। अरे भाई साहब, आपको इस रैपर से फ़ायदा नहीं हुआ था, उसके अंदर जो दवाइयाँ मिली हैं आपको उससे फ़ायदा हुआ था भाई साहब, आपको उससे। मैं अपने कस्टमर को समझा के परेशान होता हूँ, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं फार्मासिस्ट हूँ, भगवान ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने रेगुलर दर्शकों तक ये बात पहुँचा सकूँ कि आप जब दवा लेने के लिए जाएँ तो रैपर पर फोकस मत करें, फोकस करें मेन दवाइयों पर। और मैं आपको बता दूँ कि जो अच्छे कंपनी की दवाइयाँ होती हैं वो आपको सस्ती भी मिल जाती हैं, प्लस अगर वो ख़त्म हो जाएंगी तो पूरे इंडिया में कहीं भी मिल जाएंगी और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करती। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मोटो सिर्फ इतना था कि अपने सभी दर्शकों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि आपको अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको अनावश्यक एक रैपर लेके पूरे मार्केट में घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी अच्छे फार्मासिस्ट के शॉप पर जाएं, आप उनसे बोलें कि भैया मुझे ये दवा दे दीजिए, अगर आपके पास ये कंपनी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी अच्छे कंपनी की दवा सेम सॉल्ट में सेम स्ट्रेंथ में आप मुझे दे दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए भी बेहतर होगा और उस केमिस्ट शॉप के लिए बेहतर होगा जो आपके सामने है। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।